पांच तक गिनेगी मैं। अगर तब तक तूने मशाल नहीं छोड़ी तो तेरा हाथ कंधे से उखाड़कर फेंक देगी। भाई तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्या मना कर रही तू? हाँ, अरे तू समझती क्या को नहीं है, धनक को आईपीएस बनाने के लिए हम सबको अच्छा बनना जरूरी है। अरे जब तू सुधरेगी ना तो ही अपन सुधरेगा, तभी इसको क्लीन चिट मिल पाएगी और वो आईपीएस बन पाएगी। देख अपन तेरे आगे हाथ जोड़ता है, जिद छोड़ दे, जो अपन बोल रहे हैं ना वो कर। अब समझी, यही वजह है जिसकी वजह से तुम दोनों ने कल सुबह से मेरा जीना हराम करके रख दिया। दाव पे दाव, पलटी पे पलटी। जो किया है ना अपुन ने किया है, इसी के कहने पे किया ना। ए पुरी, बड़ी उसूलों वाली बन के फिरती है ना तू, तो ये छुप छुप कर वार काय को कर रही तू? अरे मेरे को तो लगा था मेरा पाला किसी शेरनी के साथ पड़ा है, लेकिन तू तो गीदड़ निकली रे। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का कर तू, लेकिन याद रख दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाए जो सावित्री को मार दे सके। हमारे मेरी दहशत तोड़ना चाहती है ना तू, तो सुन, आज से मेरी दहशत डबल। है चौल वालों और सब दुकानदार, कौन खोल के सुन लो, आज से मैं तुम सब से दुगना हफ्ता वसूल करेगी, दुगना। वाट लागली रे, सगळ्यांची वाट लागली, सगळ्यांची वाट लागली, और उसकी जिम्मेदार तू है। तू गेम खेलने का बहुत शौक है ना तेरे को, आज से तेरा और मेरा गेम शुरू। वो आगे मैं पीछे, दौड़ा दौड़ा के मारेगी मैं तेरे को, शिकार तो तेरा मैच करेगी। बचा सकती है तो बचा ले खुद को मेरे पंजे से। सखो। हाँ भाई।
ये देख, देख रहा है? ये सारे हथियार तेरी बाइको ने छुपा के रखे थे। इसको लग रहा था कि माई को हथियार नहीं मिलेंगे तो माई सुधर जाएगी। लेकिन इसको पता नहीं है, ये माई गुंडी बन के पैदा हुई है और गुंडी बन के ही मरेगी। चलो रे, तमाशा खत्म हुआ, चलो। तेरी तरह नहीं है जो अपनों को भी मार सकता है। तेरे को बुरा बनने का है ना, तो बन, पर अपुन ये सब अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। पहले अपुन को खत्म कर दे, उसके बाद तेरे को जो करना है कर। चला गोली। क्या बात है, 21 गोली, 21 लफड़ा और 3 लोग। चल आज एक गेम खेलते हैं। बहुत दिन हो गए गेम नहीं खेले हम। अपन तीनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन वाकई में कौन सही है कौन गलत, का फैसला ये पापा तय करेंगे। मैं बच गई, मैं बच गई। गणपति बाप्पा ने मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। बच गया रघु, रघु भी बच गया। उप तेरी बारी।
तीनों बच गए। तीनों बच गए, तीनों। क्या बात है? लगता है बापा को अपुन का ये जो गेम है ना, ये एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, बच जा रहा है उसको। बेटा है, बाई चांस आपको या उसको कुछ हो जाएगा तो अभी भी कहां जिंदा है वो? अभी भी कहां जिंदा है वो? अरे जब से तू उसकी जिंदगी में आई है ना साला, अपना खुद का वजूद, अपना खुद का जिंदगी सब भूल गया है वो। शेर था मेरा बेटा, शेर, तूने पालतू कुत्ता बना के रख दिया उसको। बोलती थी मैं, मेरा बेटा डॉन है, डॉन ब्यूली का डॉन। सारा किसी का हिम्मत नहीं होता था उसके सामने खड़े होने का, और तू उसको पावभाजी वाला बना के छोड़ना चाहती है? अरे तो तुझे जिंदगी भर। अरे खून पसीने और मेहनत की कमाई खाने में कोई बुराई नहीं है, अखी दुनिया वही तो करती है। और हाँ, किसी के हाथ से रोटी छीन कर खाना कोई मर्दानगी नहीं है। जब मेहनत की कमाई खाते बस। मेरी चौखट पे आके ये प्रवचन नहीं, और शपथ भूल जाएगी कि तू अपुन का बेटा है। मिल जाएगी माई, कब आएगी माई? माई आई क्या घर पे? मैं तेरे को पूछने वाली थी, माई कहीं मिली? अरे सब जगह ढूंढ डाला, किधर भी पता नहीं उसका। ए भाई, कहीं वो नीलू मौसी के इधर तो नहीं होगी? हाँ, अरे हाँ, चल चल देख के आते हैं। हाँ, चल। मेरे को बात करने की तेरे से। हाँ तुम दोनों जाओ, वहां पे भी ढूंढ लो, मिलने वाली तो है नहीं लेकिन ढूंढ लो। अरे जाओ ना तुम लोग, अपन देख के आते हैं। ढूंढो बराबर। सब तेरी वजह से, ये सब की जिम्मेदार सिर्फ तू है। मनुज जब से आई है पराती फैला के रखी है। अगर माई को कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना गुजरातन, तो याद रखना छोड़े उल्टी खोपड़ी। ये टाइम एक दूसरे को राशन पानी देने का नहीं है। चुप, ये भेजा शांत रख। क्यों? उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो बहुत मिर्ची लगी तेरे को? देख माया, अब उनका दिमाग ना ऑलरेडी सटक गया है, इसको और सटका मत। नहीं तो क्या? हाँ क्या करेगा? हाँ हाथ उठाएगा मेरे पे? नहीं बोला तो कर क्या लेगा? इतनी हद तक तो गिर ही गया है, आज एक असर भी पूरी कर ले। चल उठा, हाँ कर क्या लेगा? हाँ तेरी पत्नी ने तेरे हाथों में चूड़ियां तो पहनाई दी, अब ये भी एक असर पूरी कर ले। चाइला जमुरा जोरू का गुलाम। एक मिनट रघु, दो थप्पड़ लगाओ इसे। मैं कह रही हूं ना, दो थप्पड़ लगा और कान के नीचे अच्छे से लगाना।
क्यों नहीं रघु ने तुम्हें? क्योंकि वो किसी के इशारों पे नाचने वाला गुलाम नहीं है। वो वही करता है जो उसे सही लगता है, और जो वो करता है ना, वो करने की हिम्मत किसी ऐरे गहरे इंसान के बस की नहीं। समझ गए ना तुम? ए! भाई तो काय को रो रही है इतना? कोई मरवर गया क्या? भाई किधर थी तू सुबह से, और ये क्या हाल बना रखा है तूने? बताती है, बताती है। पकड़। देवी के मंदिर में गई थी तेरे लिए आशीर्वाद मांगने, कुछ लाई है तेरे लिए, दिखाओ। ये देख। बोला अपराध माझा असा काय झाला। याद आया कुछ? बहुत सुंदर लग रहा है तू, एकदम राजबिंडा राजकुमार। चलो चलो, अभी बहुत तैयारी करने का है। कल सुबह सब लोग तैयार रहना, भाई लोग आ रहे हैं सब। भाई ये हो गई तेरी मेरी शादी। ए माया, मुझे नहीं खेलने का है घर का, तेरी मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। अरे राघु, कहाँ जा रहे? भाई देखना, वापस शादी की बात कर रही है। हाँ, अरे सही तो कह रही है माया, बड़ा होने के बाद तुम्हें माया का नवरा बनने का है, और मुंबई का डॉन माने मुंबई का राजा। पगड़ी तेरे सर पे होगी और आखा मुंबई तेरे कदमों में। ये किसकी पगड़ी है माई? अरे ये मुकुट उस डॉन का मुकुट है जिसकी एक उंगली पे अखा अंडरवर्ल्ड चलता है और एक उंगली पे अखा अंडरवर्ल्ड बंद भी होता है। एक दिन मैं तेरे को उस कुर्सी पे बिठाएगी, ये एक माई का वादा है। माई अपन को गन से बहुत बहुत डर लगता है। माई माई नहीं, मैं सफा नहीं पहनू। रघु, रघु क्या हुआ? इतना पसीना, एक सेकेंड। पानी पी लो। कोई सपना देखा क्या? सपना नहीं, हकीकत देखा। वो जो माया आज लाल सफा लेके आई ना, वो कोई आम सफा नहीं है, एकदम लफड़े वाला आइटम है। मतलब अपन जब छोटा था ना, तो माई ने अपन को ऐसा ही एक साफा पहनाया था और बोली कि एक दिन मैं तेरे को उस कुर्सी पे बिठाएगी, ये एक माई का वादा है। अपन को लगता है माई के दिमाग में वही कीड़ा घुस गया है। वो अपन को बबलू भाई की कुर्सी पे बिठाना चाहती है और मुंबई का टॉप डॉन बनाना चाहती है। रघु, माई क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है कि तुम क्या चाहते हो। इतनी मेहनत से, इतनी कोशिश करने के बाद तुम सही रास्ते पर आए हो। तुम नहीं रखो, तुम फिर से उस दलदल में नहीं जा सकते। अरे अपन जाना ही नहीं चाहता, लेकिन माई माई नहीं मानेगी। वो अपन को कोई ना कोई इमोशनल ढांचा देगी, ऐसे कोई कसम खिलाएगी और अपन कुछ नहीं कर पाएगा। रघु तुम स्ट्रांग हो ना, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। रघु माई चाहे कसम दे, चाहे कुछ भी करे, तुम्हें उनको ना बोलना, वो भी सबके सामने। सोन पापड़ी,
आई है वो अब उनकी। जानती हूँ रघु, लेकिन अभी वो गलत रास्ते पर है और तुम उनका साथ नहीं दे सकते। और तुम ये भी तो सोचो रघु कि अगर तुम उनको सबके सामने, पूरे अंडरवर्ल्ड के सामने ना बोलोगे ना, तो हमें उसका एक फायदा होगा। सबको पता चल जाएगा कि तुम उनके साथ नहीं, तुम इस गलत काम में उनका साथ नहीं देना चाहते। फिर हो सकता है कि वो अकेली पड़ जाए और ये गलत धंधा उन्हें छोड़ना पड़े। तुम समझ रहे हो ना रघु, मुझे वचन दो रघु, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारे रास्ते में आ जाए, तुम बबलू भाई की गद्दी पर नहीं बैठोगे। अपन वचन देते तेरे को कि कल किसी गलत काम को हानि भूलेगा, जी जान से तेरा साथ वचन निभाएगा। उनको लाइफ में सब कुछ मंजूर है, पर तेरे को खोना अपन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चल बेटा, चल अंदर चल। तू अरे गुंडे लोग है ये बेटा, चाल में कर्फ्यू लगा है, चल अंदर चल। चल राम राम भाई, कैसा है सब धंधा पानी? एकदम सेट ना? अरे बैठ बैठ बैठ। अभी तुम लोगों को तो पता है ये माई घुमा फिरा के बात नहीं करती। नया है क्या तू? अरे माई मैं गुड्डू। हाँ गुड्डू, बैठ। माई हमेशा सेंटर में रहती है और सेंटर का बात करती है। आज का अर्जेंट मीटिंग बुलाने का एक खास वजह है। भाई तेरा शक सही था। अपन को ये लाइफ एक खेल है और हम सब खिलाड़ी हैं। अभी बीच रास्ते में कोई भी खिलाड़ी टपक जाता है, मगर ये खेल कभी नहीं रुकता। अब कोई भी टपकता है तो उसकी जगह दूसरा कोई तो लेता ही है ना। अब अपने खेल में बबलू भाई टपक गए, तब उनकी जगह पे दूसरा कोई तो आना चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं भाई लोग? बरोबर। अक्का मुंबई में एक ही ऐसा इंसान है जो बबलू भाई की कुर्सी का हकदार है और वो मेरे घर में है। हे माई, ऐसा डायरेक्ट फैसला कैसे ले सकता तुम? अपुन कब से लाइन में खड़ा है? कौवा कितना भी ऊंचा उड़े, बाज नहीं बन सकता। माई, मेरे गुरु ने मेरे को ये भी बोला था, कोई भी लंगड़ा खिलाड़ी अगर गेम खराब करे तो उसको गोली मार दो। मेरा भाईंदर के हफ्ते पे उड़ रहा है ना, तो एक फोन करेगी ना मैं पटवर्धन साहब को, हफ्ते के भी लायक नहीं रहेगा। अच्छा है, एक ही शख्स है जिसमें लोमड़ी का दिमाग है, चीते की फुर्ती है और हाथी की ताकत है, और अपन लोगों को ऐसा ही लीडर चाहिए। चाहिए कि नहीं? अपन का अंदाजा एकदम करेक्ट था।
माई अपन को साफा पहनाने के चक्कर में। रिलैक्स रख, बस एक बात याद रखना, जब तक हम नहीं चाहते तब तक कोई और हमसे कोई गुनाह नहीं करवा सकता। तू टेंशन मत ले सुन बाबड़ी, माई अखी मंडली के सामने अपन को बेइज्जत करना चाहती है ना, अपन भी दिखा देगा उसको, मर जाएगा लेकिन ये साफा नहीं पहनेगा। जब राजा बदलता है तो धंधे में बरकत आती है, और इस साफे का नया हकदार भी हमारे धंधे को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। तो आज ये तय है कि बबलू भाई की जगह